साथियों, तुलसीदास जी कहा करते थे, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। इस भूमि की यही विशेषता है। ऐसे में वीर शैव जैसी संत परंपरा को युवा पीढ़ी तक पहुंचा रहे जगतगुरु विश्वाराध्य गुरुकुल के शताब्दी वर्ष का समापन एक गौरवशाली क्षण है। इस क्षण के साक्षी वीर शैव परंपरा से जुड़े आप सभी साथियों के साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत सुखद है। वैसे तो वीर शब्द को अधिकतर लोग वीरता से जोड़ते हैं, लेकिन वीर शैव परंपरा वो परंपरा है जिसमें वीर शब्द को आध्यात्मिक अर्थ से परिभाषित किया गया है। विरोध रहितम, विरोध रहितम शैवम वीर शैवम विदेबुर्गा, यानी जो विरोध की वैर की भावना से ऊपर उठ गया है वही वीर शैव है। मानवता का इतना महान संदेश इसके नाम से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि समाज को वैर विरोध और विकारों से बाहर निकालने के लिए वीर शैव परंपरा का हमेशा से आग्रह रहा है और प्रखर नेतृत्व भी रहा है। साथियों, भारत में राष्ट्र का यह मतलब कभी नहीं रहा कि किसने कहां जीत हासिल की, किसकी कहां पराजय हुई। हमारे यहां राष्ट्र सत्ता से नहीं, संस्कृति और संस्कारों से सृजित हुआ है। यहां रहने वाले लोगों के सामर्थ्य से बना है। ऐसे में भारत की सही पहचान को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का दायित्व हम सभी पर है, गुरुओं संतों और विद्वानों पर भी है। हमारे ये मंदिर हो, बाबा विश्वनाथ सहित देश के 12 ज्योतिर्लिंग हो, चार धाम हो, या वीर शैव संप्रदाय के 5 महापीठ हो, शक्तिपीठ हो, ये दिव्य व्यवस्थाएं हैं। ये सारे धाम आस्था और आध्यात्म के ही केंद्र नहीं है, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी मार्गदर्शक है। ये हम सभी को, देश के जन जन को, देश की विविधता को आपस में जोड़ते हैं।